आज बसंत पंचमी का त्यौहार है। बसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष के पांचवें दिन मनाया जाता है। इस दिन से ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। मान्यता है कि इस दिन माँ देवी सरस्वती की आराधना की जाती है, साथ ही लोग पीले रंग के वस्त्र पहनकर सरस्वती माँ की पूजा अर्चना करते हैं। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती है, जिसकी पूजा करने से सभी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन बहुत से लोगों के लिए इतना शुभ माना जाता है, इस दिन विवाह भी होते हैं, इसीलिए कुछ लोग बसंत पंचमी के दिन प्रेम के देवता कामदेव की पूजा भी करते हैं। खास तौर पर बसंत पंचमी का त्यौहार उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल समेत पूरे उत्तर भारत में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार इस वर्ष बसंत पंचमी के दिन त्रिवेणी योग का संयोग बन रहा है। इन तीन शुभ योग में विद्या आरंभ और शुभ कार्य करने का बहुत ही फलदायी महत्व होता है। आइए जानते हैं कौन से है ये तीन शुभ योग। पहला शुभ योग सिद्धि योग, दूसरा शुभ योग साध्य योग, तीसरा शुभ योग रवि योग। बसंत पंचमी का महत्व देखें तो कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन लोग विद्या की देवी सरस्वती की आराधना करते हैं। इस दिन को श्री पंचमी भी कहते हैं। इस दिन को शिक्षा प्राप्त करने या किसी नई कला की शुरुआत करने के लिए आज का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन गृह प्रवेश भी करना शुभ मानते हैं, साथ ही इस दिन लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने का भी विधान है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के मौके पर पीले रंग के कपड़े पहनना चाहिए। हिंदू पंचांग के मुताबिक बसंत पंचमी तिथि सूर्योदय और दोपहर के बीच रहती है, और ध्यान रहे बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती पूजा करते समय सरस्वती चालीसा का पाठ जरूर करें। मान्यता है कि इस दिन गृह प्रवेश, वाहन खरीदना, नींव पूजन, नया व्यापार प्रारंभ जैसे मांगलिक कामों की शुरुआत करने पर शुभ फल मिलता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।